हेलो डियर व्यूवर्स मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ये है इटली की रेसिपी तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं इसमें इस्तेमाल होगा हमारे पास एक बड़ा सा बैंगन अगर आपके पास छोटे बैंगन हैं तो आप छोटे दो बैंगन इस्तेमाल कर लीजिएगा बैंगन को आपने इस तरह जिस शेप में मैं काट रही हूँ ऐसे काट लीजिएगा मैं डिफरेंट किस्म की डिफरेंट क्वींस की रेसिपी तैयार करती रहती हूँ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ पाकिस्तानी खाना ही सालों तक खाते रहें आप डिफ़रेंट जो दुनिया में खाने बनते हैं मैं वो बनाती रहूँगी और आप मेरे चैनल से सीखते रहिएगा और इनको आपने ट्राई ज़रूर करना है अगर जो आपको पसंद आए तो फिर उन रेसिपीज़ को आप बार बार ट्राई कीजिएगा इसको इस तरह हमने काट लेना है जिस तरह हम फ्राइज काटते हैं लेकिन थोड़ा सा आप इसको मोटा मोटा काटेंगे बिल्कुल आपने बारीक नहीं काटना बैंगन को काटने के बाद हमने इसके ऊपर छिड़क देना है एक चम्मच नमक का ये करके हमने इसे पंद्रह मिनट तक रख देना है Osionfish. हमने एक बाउल लेना है उसमें हमने डालने हैं दो अंडे दो अंडे डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक टीस्पून नमक का और एक टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें और एक टीस्पून हम इसमें, इसमें, इसमें इस्तेमाल करेंगे पेपरिका पाउडर अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसमें सूख मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बैटर हमारा तैयार हो चुका है दूसरी तरफ ये जो बैंगन है हमने इनको रखा था नमक लगा के नमक लगाने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने पानी रिलीज़ किया है तो उस पानी को हम टिशू की मदद से खुश कर लेंगे ये ड्राई हो चुके हैं तो अब इन बैंगन को हमने जो बैटर तैयार किया था उसके अंदर हम डाल लेंगे बैटर में बैंगन डाल के हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि बैंगन जो है वो बिल्कुल कवर हो जाए इस बैटर के साथ और ये अब हमने बैटर इसके अंदर डाल चुके हैं और अच्छी तरह से कवर हो चुका है तो अब हमने इसको फ्राई करना है फ्राई करने के लिए आपने गरम ऑयल लेना है गरम ऑयल में अब एक एक करके आपने ये डालना है इकट्ठा आपने नहीं डाल देना पाँच पाँच छः छः उस तरह ये चीज़ें जो हैं ये आपस में चिपकने लग जाती हैं इस वजह से आपने इनको अलग अलग करके डालना है दोनों तरफ से तकरीबन दो दो मिनट भी आप पकाएंगे तो ये पक जाएगा टोटल इसका कुकिंग टाइम पाँच मिनट है बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा तो ये अब अच्छे तरीके से गोल्डन होने लग गया है तो अब हम इसको पेपर के ऊपर निकाल लेंगे डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें आप और मैंने ये मैं ये रेसिपीज़ उस तरह बनाती हूँ जिस तरह उनकी अथेंटिक रेसिपी होती है तो आप भी ऐसे तरीके से बनाया करें के अथेंटिक उन्हीं की तरह हो बाकी उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो आप उसके बाद अपने मुताबिक चेंजेस वग़ैरह कर लिया करें उनके जो भी मसाले वगैरह होते हैं वो हमें अडोप्ट करते करते हमारे टेस्ट बर्ड्स को थोड़ा सा टाइम लगता है इसके साथ एक सॉस सर्व होती है वो सॉस बना लेते हैं पाँच चम्मच मैंने लिए हैं दही दो चम्मच मैंने लिए हैं इसमें मेयोनीज़ के मेयोनीज़ और दही डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा लीम आधा लीम इसमें हमने चोड़ लेंगे और फिर में हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया अगर आपको पार्सले दस्तियाब हो जाएँ तो आप इसमें पार्सले इस्तेमाल करें थोड़ा सा हमने इसमें शामिल करना है नमक और हाफ़ टी स्पून बिल्कुल आपने इस्तेमाल करनी है इसमें काली मिर्चें ये सब चीज़ें डाल के हमने मिक्स कर लेना है और ये हमारा जो सॉस है बड़े मज़े का तैयार है इटली में यही वाला सॉस वो तैयार करते हैं स्नैक्स के साथ तो आप भी यही सॉस इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप ऐसी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफिज़